Hello students, last class mein we discussed how we handle 0 by 0 indeterminate form. Today we are going to cover infinity by infinity indeterminate form and 0 into infinity, infinity minus infinity. Ye do indeterminate form aise hote hain jinhe solve karne ke liye we need to reduce them either into 0 by 0 or infinity by infinity indeterminate form. To agar 0 by 0 and infinity by infinity form mein clarity hai to aap first 4 indeterminate form ko bahut easily handle kar sakte hain. Theek hai, let's just go ahead. तो पहला चीज़ हम इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन इसे समझेंगे एंड देन विल राइट डाउन द जनरलाइज्ड रिजल्ट. यहाँ पे मैंने लिया है दो पॉलीनोमियल का रेशियो. आप देख सकते हैं न्यूमेरेटर इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी. एक और चीज़ यहाँ पे ये देखना, लेट्स टेक आई हैव ए पॉलीनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज़ एक्स क्यूब माइनस टेन एक्स प्लस 15 और मुझे इस पॉलीनोमियल का वैल्यू निकालना है एट एक्स एज इन्फिनिटी. एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी. तो हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी के कैलकुलेशन में जो सबसे बड़ा प्रेजेंस ऑफ इन्फिनिटी होता है वही हमें रिजल्ट देता है, क्योंकि उसके सामने ये बहुत 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 छोटे होते हैं तो हम उन्हें डिस्कार्ड ही कर देते हैं. तो एट इन्फिनिटी वी से इन्फिनिटी क्यूब, सो दैट अप्रोचेस इन्फिनिटी. और अगर माइनस इन्फिनिटी की बात हो तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब, दैट इज माइनस इन्फिनिटी. सो इन एनी केस जब भी हम किसी पॉलिनोमियल पे इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जो सबसे बड़ा पावर ऑफ एक्स होता है वही उसका वैल्यू डिसाइड करता है. करेक्ट. सो वन अप्रोच फॉर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म इज फर्स्ट अप्रोच. वो ये है कि आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ओवरऑल जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी देने वाला एक्सप्रेशन है उसे आइडेंटिफाई कर लें. तो यहाँ एक्स क्यूब है न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी है, क्योंकि ये तो एक्स है और ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू ही है. एंड डिनोमिनेटर में ये तो फाइनाइट है, ये है. तो ओवरऑल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कंपेयर करते हुए आप देख लें जो सबसे बड़ा प्रेजेंस ऑफ एक्स है वो क्यूब के फॉर्म में एक्स क्यूब. तो आप सबसे बड़े इन्फिनिटी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, काम हो जाएगा खत्म. आप इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर आ जाएंगे. करके देखते हैं. तो अगर मैं एक्स क्यूब से डिवाइड करती हूँ, एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस टू एक्स बाई एक्स क्यूब, एक एक्स हो जाएगा कैंसिल, मैं सिंप्लीफाई करके ही लिख रही हूँ. एंड देन फाइव बाई एक्स क्यूब, परफेक्ट. डिनोमिनेटर में इसी तरह से थ्री बाई एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब, दैट इज़ वन. ठीक. अब बच्चा जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू फाइव बाई इन्फिनिटी जीरो, टू बाई इन्फिनिटी जीरो, दिस इज जीरो. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज वन बाई माइनस फाइव विच इज़ माइनस वन बाई फाइव. ठीक है, ये हो गया इसका कंप्लीट प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग. नाउ व्हाट यू डू इज, जब भी हमारे पास दो पॉलिनोमियल के रेशियो से क्वेश्चन बनता है, एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी और एक्स इज अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी, ऑल व्हाट यू डू इज जो न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर में ओवरऑल हाईएस्ट प्रेजेंस ऑफ एक्स है, जो कि यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में है, तो उसका कोएफिशिएंट का रेशियो हमारा आंसर देगा. दैट्स इट. आपको कुछ भी नहीं करना है, ओरली आंसर करना है. तो आंसर विल बी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ है वन, यहाँ है माइनस फाइव, सो आंसर इज माइनस वन बाई फाइव. क्लियर. थर्ड वे ऑफ अटेम्प्टिंग, ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका जो आप पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल के केस में यूज में ले लें. अनदर वे आउट, बच्चा एक्स क्यूब के सामने ये टर्म्स जैसे मैंने बोला, इसमें जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम इन्हें इग्नोर करते हैं. तो यहाँ पे भी आप उन्हें इग्नोर कर दें, क्योंकि इन्फिनिटी के क्यूब के सामने वो कम्प्लीटली उसके अंदर मर्ज हो जाते हैं. ठीक, उसी तरह से सिर्फ यही काउंट होगा, इसे आप कर दें डिस्कार्ड. अब हमारे पास क्वेश्चन रह जाता है एक्स क्यूब अपॉन, ये हो गया कैंसिल, माइनस वन बाई फाइव. ठीक है, ब्यूटीफुल वेज ऑफ आंसरिंग. जैसे करना है आप कर सकते हैं. जब कुछ भी समझ नहीं आया तो आपके पास जनरलाइज्ड अप्रोच तो है, जो आप सिर्फ पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल नहीं हमेशा ही यूज में ले सकते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म के लिए. क्लियर है. अब लुक एट, इफ आई गिव फाइव एक्स पावर फाइव प्लस टेन एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस सिक्स एक्स पावर सिक्स, एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी. अब ओवरऑल सबसे बड़ा है एक्स का प्रेजेंस, आप देख लें क्या है वो, एक्स पावर सिक्स. उसका कोएफिशिएंट न्यूमरेटर के पास क्या है, एक्स पावर सिक्स का प्रेजेंस तो है ही नहीं, तो जीरो है. डिनोमिनेटर में माइनस सिक्स है, बच्चा आंसर आ गया इट इज़ जीरो. और अगर आप उस तरह से करें कि न्यूमरेटर के पास जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी है सिर्फ उसे रहने दें, बाकी डिस्कार्ड कर दें, इसे डिस्कार्ड कर दें, अब हमारे पास रह जाता है फाइव बाई सिक्स. एक्स पावर फाइव न्यूमरेटर से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइव दिस इज माइनस सिक्स एक्स, एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी. डिनोमिनेटर ये इन्फिनिटी बन रहा है, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, न्यूमरेटर एक फाइनाइट वैल्यू है, सो दिस वैल्यू वुड अप्रोच जीरो. क्लियर. और जो पहला मेथड मैंने बताया जनरलाइज मेथड, उससे अगर आप इसे करते हैं तो एक्स पावर सिक्स से आप करेंगे डिवाइड, तो एक्स पावर सिक्स से जब आप इसे डिवाइड करेंगे दैट विल बी फाइव बाई एक्स, एक्स पावर फाइव को मैंने कैंसिल कर दिया. एंड देन टेन एक्स बाई एक्स पावर सिक्स, सो विल बी लेफ्ट विथ एक्स पावर फाइव एंड देन माइनस वन बाई एक्स पावर सिक्स.
एंड डिनोमिनेटर में बेटा 1 बाई एक्स पावर 6 एंड माइनस 6, एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, दिस विल बी 0 0 0 0, क्या आ गया 0 बाई माइनस 6, विच इज 0। ठीक, तो अगर सबसे बड़ा इन्फिनिटी का प्रेजेंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के पास है तो उनका कोएफिशिएंट का रेशियो हमारा आंसर बन जाता है। अगर इन्फिनिटी का प्रेजेंस जो हाईएस्ट इन्फिनिटी है वो सिर्फ डिनोमिनेटर के पास है, इसका मतलब न्यूमरेटर पूरे का पूरा वहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और डिनोमिनेटर के पास इन्फिनिटी का प्रेजेंस फिर भी बचेगा, सो दैट विल रिजल्ट टू ए 0। और अगर इन्फिनिटी का प्रेजेंस, जैसे कि इफ वी टेक एक्स पावर 5 10x प्लस 1 2x क्यूब माइनस 10, एक्स इज अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं इस बार, तो बच्चा न्यूमरेटर के पास जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी है सिर्फ उसे रखें, डिनोमिनेटर के पास सबसे बड़ा इन्फिनिटी सिर्फ उसका प्रेजेंस रखें, ये हो गया कैंसिल। एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी के लिए माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, सो दिस वुड अप्रोच इन्फिनिटी। क्लियर, तो ये बहुत सिंपल तरीका है आंसर करने का, जनरलाइज्ड मेथड से भी आप कर सकते हैं एक्स पावर 5 से आप डिवाइड करते हुए। क्लियर है, नेक्स्ट आप देखें ये टाइप पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, अगर जनरलाइज करके लिखें आप इस तरह से लिख लें पॉलिनोमियल अपॉन ए पॉलिनोमियल एंड एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ठीक, देन इन दैट केस डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर अगर हम m कंसिडर करें और इसे n डिग्री, ठीक है, तो इन दैट केस इफ m इज इक्वल टू n देन द आंसर विल बी नॉन जीरो फाइनाइट, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है व्हेन विल द आंसर बी नॉन जीरो फाइनाइट। फॉर आंसर टू बी नॉन जीरो फाइनाइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के डिग्री सेम होना चाहिए। ठीक, एंड आंसर निकालने का तरीका क्या होगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x पावर m अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x पावर m, m एंड n इक्वल है तो दोनों को ही हम m ही लिख देते हैं, फाइन। एंड इफ m इज लेस देन n, मतलब इन्फिनिटी का प्रेजेंस डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, इन दैट केस रिजल्ट विल बी 0, फाइन। एंड इफ m इज लार्जर देन n, देन इन दैट केस आंसर विल बी आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी डिपेंडिंग ऑन इन्फिनिटी का प्रेजेंस न्यूमरेटर के पास कितनी बार एक्स्ट्रा है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में अगर आप देखें, अगर यहाँ x पावर 4 होता तो यहाँ पे हमारे पास एक x का प्रेजेंस बचा होता एंड x इज अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आ जाता, माइनस इन्फिनिटी आ जाता। तो इस प्रोसेस से आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर के पास कितना एक्स्ट्रा है। जैसे कि आप डिग्री को ही कंपेयर कर लें, आप सिर्फ ये देख लें जो m माइनस n का वैल्यू है x टेंस टू इन्फिनिटी के लिए, तो वो भी आपको चेक नहीं करना है, आंसर इन्फिनिटी आएगा। अगर x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है और m माइनस n ये है वो वैल्यू, ठीक है, अगर वो ऑड है तो आंसर इज माइनस इन्फिनिटी, अगर वो इवन है आंसर इज प्लस इन्फिनिटी। क्लियर, नेक्स्ट पे आ जाएं, लेट अस टेक वी हैव लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स, उसी तरह से करते हैं। ये है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के सामने एक फाइनाइट वैल्यू का एग्जिस्टेंस काउंट नहीं होता। 2x स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट अगर हम लेते हैं दैट इज रूट 2 मॉड x, कोई गलती यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। x इज अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी, बच्चे इन सभी पॉइंट्स पे टेस्ट होते हैं। अब आप देख लो जो x का वैल्यू है हमारे लिए वो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मॉड x विल बिकम माइनस x, फाइन, x हो गया कैंसल एंड आर आंसर इज माइनस रूट 2, इस तरह से किया जा सकता है। सेकेंड वे इज आप देख लो जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी का प्रेजेंस है वो कहाँ पे है, दोनों के पास है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से बाहर आएगा तो डिग्री 1 में ही होगा ना, तो दोनों के पास डिग्री सेम है तो आंसर नॉन जीरो फाइनाइट आएगा, ये तो कन्फर्म है। अब हमें क्या करना है, सबसे हाईएस्ट प्रेजेंस 1 है तो x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को करेंगे डिवाइड और इट इज सेम थिंग आज इस x को हम अंदर शिफ्ट कर देंगे, फाइन। नाउ बहुत वाइजली आपको यहाँ पे काम करना है, x नेगेटिव वैल्यू है, जब आप इसे अंदर शिफ्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे x का प्रेजेंस है जो कि नेगेटिव है, ध्यान देना, ठीक है। तो अगर आप इसे स्क्वेयर रूट के अंदर लेके जाते हैं, मेरी बात आप ऐसे समझना, अगर मेरे पास ये है एंड इस x को मैं बाहर लाती हूँ, ये इस फॉर्म में आएगा ना बेटा, x बन के तो नहीं आएगा। अब x नेगेटिव है तो ये बनता है ना, तो अगर मुझे इस x को स्क्वेयर रूट के अंदर लेके जाना है, एक्स स्क्वेयर के फॉर्म में अंदर शिफ्ट करना है, एक्स स्क्वेयर बनाते हुए स्क्वेयर रूट के अंदर, तो मुझे क्लियर है वो एक्चुअली इक्विवेलेंट है इसके। तो अगर मुझे 1 बाई एक्स को हैंडल करना है, ऑल व्हाट आई एम सपोज टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल इज यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, अब इस माइनस एक्स को मैं अंदर शिफ्ट कर सकती हूँ इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वेयर। छोटी छोटी सी बातें हैं, केयरफुली करेंगे,
कोई गलती नहीं होगी. सो दिस इज़ 1 बाई एक्स स्क्वेयर एंड 2 एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर. बच्चा ये हो जाएगा 0, ये है 2, आंसर इज माइनस रूट 2. इस प्रोसेस से करते हैं तो कोई मेहनत ही नहीं है एंड हम ओरली आंसर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखें बेटा. लुक एट बेटा, न्यूमरेटर के पास अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक का मिक्सचर है, डिनोमिनेटर के पास भी सेम सिचुएशन है. तो सबसे पहले एक एक टर्म को स्टडी कर लो. जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये वैल्यू हमें नहीं पता क्या होगा, ऑसिलेट करेगा, क्योंकि साइन ऑफ इन्फिनिटी वी डू नॉट नो व्हाट इट विल बी एग्जैक्टली. लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये वैल्यू जो भी आएगा माइनस वन से वन के बीच में ही आएगा. तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है और फाइनाइट वैल्यू का एग्जिस्टेंस इन्फिनिटी के सामने हम काउंट ही नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर दो. उसी तरह से ये इन्फिनिटी है लेकिन ये और ये फाइनाइट है, डिस्कार्ड कर दो, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है. आंसर क्या आ गया, एक्स हो गया कैंसिल एंड दिस इज 2/5, करेक्ट. लार्जेस्ट इन्फिनिटी का कोएफिशिएंट का रेशियो, दैट्स इट. क्लियर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जो वेरिएबल है, जो इन्फिनिटी है, उसका प्रेजेंस एक्सपोनेंट में है. ठीक, हैंडल करने का तरीका बिल्कुल सेम. 2 पावर x माइनस 1 2 पावर इन्फिनिटी, इट अप्रोचेस इन्फिनिटी. तो ये इन्फिनिटी है, 5 पावर x प्लस 2 भी इन्फिनिटी है, इंडिविजुअली सभी के सभी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, राइट. तो अब जनरल अप्रोच से ही बिगिन करते हैं. बच्चा 5 पावर x है, 2 पावर x है, 3 पावर x है, बाकी ये जो 2 पावर x माइनस 1 है ना, इनके बारे में तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं. जैसे आपके पास 5 पावर x प्लस 2 का प्रेजेंस है, आप उसे 5 पावर x इंटू 5 स्क्वायर, मतलब 25 टाइम्स ऑफ 5 पावर x लिख सकते हैं, राइट. तो अगर हम इस फॉर्म में इसे सिंप्लीफाई कर दें, देन दिस इज 10 माइनस 25 टाइम्स ऑफ 5 पावर x अपॉन 1/5 इंटू 5 पावर x प्लस 3 पावर x. अब आप बता दें, जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी का प्रेजेंस हो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, 2 पावर x, 5 पावर x, 3 पावर x, इन सब में हमें पता है इन्फिनिटी पे ये होल्ड करता है, राइट. सभी के सभी बेस 1 से बड़े हैं, तो जब x इन्फिनिटी बनेगा तो सभी के सभी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, लेकिन बेस जितना बड़ा होगा वो वैल्यू उतना ही बड़ा होगा. ठीक, तो इन सब में सबसे बड़ा ये है, तो आप लार्जेस्ट इन्फिनिटी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें. अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 5 पावर x से, ऑल व्हाट वी आर लेफ्ट विथ नाउ इज 2/5 होल पावर x माइनस 25, 5 पावर x अपॉन 5 पावर x, दैट इज 1, एंड 1/5, 5 पावर x अपॉन 5 पावर x, 1, एंड दिस इज 3/5 होल पावर x. काम खत्म. बच्चा जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अगर हमारे पास कोई ऐसा वैल्यू है जो माइनस 1 से 1 के बीच में है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक 1/3, अगर इसका पावर आप इन्फिनिटी लेते हैं तो ये वैल्यू 0 को अप्रोच करता है. आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, व्हेन बेस इज बिटवीन 0 एंड 1, दिस इज एट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग 0, करेक्ट. तो ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0, क्या आंसर आ गया बेटा, माइनस 25 अपॉन 1/5, विच इज माइनस 125. अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को. लुक एट, ये आपका क्वेश्चन. तो सबसे बड़ा इन्फिनिटी का कोएफिशिएंट का रेशियो, इसका और इसका, बस कोएफिशिएंट का रेशियो आप ले लो, क्योंकि इस इन्फिनिटी के सामने इसका एग्जिस्टेंस आप नलीफाई कर सकते हो. क्लियर है, सो आंसर आ गया. नेक्स्ट देखें बेटा, एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, x² + 1 होल पावर हाफ, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सभी के सभी इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहे हैं. अब एक एक टर्म को अच्छे से समझ लेना. x² + 1 पावर 1/2 है, x² + 1 पावर 1/3 है. वैसे अगर हम इसे देखें तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म क्रिएट कर रहा है, तो अच्छे से उसे स्टडी करना तो बनता है, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज़ अनदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म. कुछ भी डायरेक्टली कंक्लूड करने से पहले कंप्लीट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो जनरलाइज अप्रोच से बिगिन करते हैं. बता दें यहाँ जो एक्स का नेट प्रेजेंस है वो कितना है, इस पर्टिकुलर टर्म पे आप देखें, इस पे तो एक्स स्क्वेयर है एंड होल पावर हाफ है. जब आप एक्स स्क्वेयर को बाहर लाएंगे तो उसका नेट प्रेजेंस 1 के साथ होगा, और यहाँ पे x पावर 2/3 होगा, यहाँ पे x पावर 4 होल पावर 1/4 पावर 1, यहाँ पे नेट प्रेजेंस उसका क्या होगा, x पावर 4 होल पावर 1/5, मतलब 4/5. तो दो जगह पे हमारा नेट प्रेजेंस 1 बन रहा है, एक जगह पे 2/3, एक जगह पे 4/5. तो ओवरऑल जो हाईएस्ट प्रेजेंस है वो है 1. तो आप x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कर दें डिवाइड, फाइन. एंड x हमारे लिए जो कुछ भी है पॉजिटिव है, मतलब एक्स स्क्वेयर का जो स्क्वेयर रूट है, क्योंकि आप स्क्वेयर रूट के अंदर उसे शिफ्ट करेंगे या क्यूब रूट के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो क्लैरिटी होनी चाहिए. जो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट होता है वो मॉड एक्स होता है,
और जो मॉड एक्स है एक्स पॉजिटिव के लिए एक्स ही होता है, ठीक है। तो आप एक्स को बेफिक्र होकर इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव होता, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस केस में ये जो बना होता वो माइनस एक्स बना होता, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप हैंडल किए होते। नाउ लेट्स जस्ट गो अहेड, एक्स से हम कर रहे हैं डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर वन बाई टू, एक्स से कर रहे हैं डिवाइड तो स्क्वेयर रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर से वो हो जाएगा डिवाइड, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल पावर वन बाई थ्री, हम एक्स से डिवाइड कर रहे हैं मतलब क्यूब रूट के अंदर वो एक्स क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, परफेक्ट। आगे बढ़ें, एक्स से कर रहे हैं डिवाइड तो फोर्थ रूट के अंदर जब वो एक्स जाएगा तो एक्स पावर फोर के फॉर्म में जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एक्स पावर फोर प्लस टू होल पावर वन बाई फाइव, अंदर जाएगा तो एक्स पावर फाइव के फॉर्म में जाएगा, बात हो गई ख़त्म। अब देख लें, एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर ये दोनों डिवाइड हुए, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर होल पावर वन बाई टू, बचा एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी तो ये वैल्यू हो जाएगा जीरो, वन पावर वन बाई टू दैट इज़ वन, ठीक। अब सेकेंड पे आ जाएं, वॉल व्हाट वी हैव हियर इज एक्स स्क्वेयर बाई एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब होल पावर वन बाई थ्री, बचा ये जीरो ओवरऑल ये टर्म बन जाता है जीरो, ठीक। अब इस टर्म को देखें, एक्स पावर फोर अपॉन एक्स पावर फोर जो कि है वन, एंड टू बाई एक्स पावर फोर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे वो बन जाएगा जीरो, सो वन पावर वन बाई फोर दैट इज़ वन। नेक्स्ट पे आ जाएं विथ ए माइनस साइन, एक्स पावर फोर अपॉन एक्स पावर फाइव वन बाई एक्स होगा, एंड ये होगा टू बाई एक्स पावर फाइव, वो पूरा जीरो बन गया, ख़त्म हो गई बात। तो ये ख़त्म, न्यूमरेटर में वन है डिनोमिनेटर में वन है, आंसर इज वन, ठीक है। सेकेंड वे, अगर हम इसे ओरली आंसर करते हैं, ये इन्फिनिटी है ये इन्फिनिटी है, दोनों के पास एक्स स्क्वायर प्लस वन ही वो टर्म है जिसका प्रेजेंस है इन बेस, राइट, और वो इन्फिनिटी बन रहा है। इन्फिनिटी के लिए जो सबसे बड़ा प्रेजेंस है वही उसका वैल्यू डिसाइड करता है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.333 उस तरह से, तो ये इसके कंपेरिजन में स्टैंड नहीं करेगा। उसी तरह से डिनोमिनेटर में ये स्टैंड नहीं करेगा, और इन्फिनिटी के सामने एक फाइनेट वैल्यू का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है, इन्फिनिटी के सामने फाइनेट वैल्यू का एग्जिस्टेंस होता नहीं है। तो एक्स स्क्वायर पावर हाफ अगर हम करेंगे तो मॉड एक्स होता है, लेकिन एक्स पॉजिटिव है तो वो एक्स बन जाएगा, डिनोमिनेटर में भी एक्स होगा, सो आंसर इज वन, क्लियर बेटा। नेक्स्ट आप देखें एग्जैक्टली उसी तरह से, थ्री एक्स प्लस वन स्क्वेयर रूट प्लस थ्री एक्स माइनस वन स्क्वेयर रूट, एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटी प्लस में है, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, मतलब ओवरऑल ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, व्हिच इज कन्फर्म। अब यहाँ आ जाएं बच्चा, ये इन्फिनिटी है ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वैल्यू को तो पहले देखना पड़ेगा क्योंकि वो एक इनडिटर्मिनेट वैल्यू देता है, हमें चेक करना होगा वो एग्जैक्टली क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, उसके लिए 3x प्लस 1 स्क्वायर रूट 3x माइनस 1 स्क्वायर रूट, जैसे कि अभी हमने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो फॉर्म 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूसेबल होता है। रिड्यूस करने के लिए अगर स्क्वायर रूट का प्रेजेंस है तो आप रैशनलाइज करके कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन का यूज़ ले सकते हैं, आप किसी तरह का सिंप्लीफिकेशन का यूज़ ले सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे तो आप रैशनलाइज कर दें इसे। तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को करेंगे डिवाइड बाई 3x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 1 स्क्वायर रूट, और न्यूमरेटर में बन जाएगा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक। सो इट इज़ 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1 अपॉन दिस, करेक्ट। अब आप देखें, न्यूमरेटर के पास है 2, डिनोमिनेटर के पास है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, 2 बाई इन्फिनिटी विल अप्रोच 0, मतलब ये टर्म का एग्जिस्टेंस है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक। उसी तरह से ये इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी है, ये कन्फर्म है। अब इसको देखना होगा कि ये क्या है, क्योंकि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, फिर से इसे रैशनलाइज करते हैं, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्टली लिख रही हूँ बेटा, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्टेप्स में करें। डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये, नाउ लुक एट बेटा, न्यूमरेटर है फाइनेट, डिनोमिनेटर है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी इज जीरो, तो ये टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक और तरीका इसे कन्फर्म कंक्लूड करने का, ये देखो आप, ये जो दो इन्फिनिटी है आप देख सकते हैं, इन दोनों में जो गैप है ना, जो डिफरेंस है, वो एक फाइनाइट वैल्यू का है। आप देखो 3x प्लस 1 स्क्वायर रूट को छोड़ दो, 3x माइनस 1, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू का है, वो इन्फिनिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है किसी भी तरह से, तो उस केस में ये वैल्यू जीरो ही आएगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा था, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट
और ये है x स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट। आप इन दोनों में डिफरेंस देखें, इन दोनों में देखें फाइनाइट वैल्यू का है तो ये रिजल्ट जीरो ही आएगा, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी वेरी 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 क्लोज टू वन एन अदर। एंड इन्फिनिटी पे आप सोचो, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस वन कितना गैप होगा, क्योंकि इन्फिनिटी के सामने वो माइनस वन इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा दैट इज़ ऑलमोस्ट सो 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 स्मॉल दैट वुड गेट डिस्कार्ड एंड कंसिडर्ड टू बी जीरो। तो इसलिए ये जीरो और ये जीरो। अब क्वेश्चन कितना सिंपल सा रह गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है और इन्फिनिटी के सामने ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। तो न्यूमरेटर में आ गया बच्चा टू टाइम्स ऑफ दिस होल पावर सिक्स, और डिनोमिनेटर के पास आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज मॉड एक्स, एक्स पॉजिटिव है तो एक्स, तो ये आ गया टू एक्स होल पावर सिक्स। एंड क्वेश्चन में यहाँ पे भी एक्स क्यूब का प्रेजेंस है, एकदम केयरफुली करना है। तो बच्चा टू पावर सिक्स, यहाँ पे भी टू पावर सिक्स है, ये हो गया कैंसिल। रूट थ्री पावर सिक्स है, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है तो ये आ गया थ्री क्यूब। एंड रूट एक्स पावर सिक्स विच इज़ एक्स क्यूब, एंड एक और एक्स क्यूब यहाँ पे है हमारे पास, एंड डिनोमिनेटर में एक्स पावर सिक्स द कैंसिल एंड वी लेफ्ट विद दिस एज द आंसर। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। लिमिट मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, छूटना कुछ भी नहीं है। जस्ट लाइक 3D ज्योमेट्री, 3D में भी हमसे कुछ भी नहीं छूट सकता, लिमिटेड सिलेबस है एंड बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअली हैंडल होने वाला सिलेबस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बच्चे, n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, n का प्रेजेंस कहाँ है बच्चे, पावर में है। यू नो, इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चे इमीडिएटली कंक्लूड करते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इन डिटर्मिनेट फॉर्म है एंड अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर जाते हैं, हो जाता है वहाँ गड़बड़। अब अगर पावर में इन्फिनिटी होता है, मैं आपको फर्स्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ, उस केस में बेस डिसाइड करेगा उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, वो वैल्यू किस तरफ जाएगा। अगर x बिटवीन माइनस वन एंड वन है, इस तरह के वैल्यूज़ का अगर आप पावर इन्फिनिटी लेते हैं तो वैल्यू जीरो को अप्रोच करता है। अगर x का वैल्यू 1 या माइनस वन है, क्योंकि हमारे पास n इज़ ए नेचुरल नंबर एंड 2n है इवन नंबर है, तो अगर x का वैल्यू प्लस वन या माइनस वन है एंड x पावर इन्फिनिटी आप लेते हैं इन्फिनिटी, इन दैट केस दिस वैल्यू विल बिकम एग्जैक्टली 1। दिस इन्फिनिटी इज़ एन इवन नंबर, इन आर केस इन्फिनिटी इवन होने की वजह से माइनस वन पावर इन्फिनिटी विल ऑल्सो बिकम 1। ठीक है, और अगर x का वैल्यू स्मॉलर देन माइनस वन है या ग्रेटर देन 1 है, इस केस में अगर आप x पावर इन्फिनिटी लेते हो, इन्फिनिटी हमारे केस में तो एक इवन नंबर है, अगर ऑड है तो आप अकॉर्डिंगली उसे हैंडल कर सकते हैं, तो हमारा ये जो वैल्यू आएगा दैट विल अप्रोच इन्फिनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी पावर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब तब बेस सारा कुछ कंट्रोल करेगा, तो बेस को सबसे पहले आप स्टडी कर लें। और बेस में है x, और x इज एन अननोन कॉन्स्टेंट, वी डू नॉट नो इस वैल्यू। जब हमें वैल्यू का नहीं पता होता है और वही डिसाइडिंग चीज़ है, तो उस केस में हम उसे कंडीशन देते हुए सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर सिंगल करेक्ट टाइप है तो क्वेश्चन बता देगा कि x किस टाइप का है, ठीक है, इनमें से कौन सा टाइप का है। और अगर मल्टी करेक्ट है, इन दैट केस इस तरह से हमारे पास ऑप्शन होंगे, फॉर दिस x दिस इज द आंसर, फॉर दिस x दिस इज द आंसर। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं। हमें x का पता नहीं, तो तीन केसेस हमें लेना होगा। केस वन, हो सकता है जो x है वो माइनस वन से वन के बीच में है, इन दैट केस x पावर 2n, यहाँ पे देखें ये वैल्यू क्या बन जाएगा, जीरो। सो जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही क्रिएट नहीं होता, आंसर आ जाता है। ठीक है, सेकेंड केस, अगर x का वैल्यू प्लस वन या माइनस वन है, इन दैट केस x पावर 2n, वन वन प्लस वन, बच्चा जीरो बाई टू आंसर। ठीक, अगर x का वैल्यू स्मॉलर देन माइनस वन है या ग्रेटर देन वन है, इन दैट केस ये होगा इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी प्लस वन, करेक्ट है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म इन सेट ऑफ एक्स के लिए क्रिएट होता है, नॉट ऑलवेज, राइट। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म की हैंडलिंग आपको आती ही है, आप फाइनाइट वैल्यू को इग्नोर करें एंड इन दोनों का जो रेशियो है, और आप डायरेक्टली हाईएस्ट इन्फिनिटी का कोएफिशिएंट का रेशियो ले लें, आंसर कम्स आउट टू बी वन, एक्स पावर टू एन कैंसिल होते हुए वन दैट वी आर लेफ्ट विद, फाइन। तो अगर मल्टी करेक्ट है तो कंडीशनल आंसर बिल्कुल ध्यान दें, अदरवाइज कंडीशन गिवन होगा, अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर इट। क्लियर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिस इज बेस्ट ऑन जीरो इंटू इन्फिनिटी इन डिटर्मिनेट फॉर्म। तो बच्चा जीरो इंटू इन्फिनिटी है क्या, जीरो इज नथिंग बट, क्योंकि ये टेंडिंग टू जीरो है ना, एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है, तो दिस इज इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन को आप इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, और आप ऐसे भी कह सकते हैं जो इन्फिनिटी है दैट इज नथिंग बट
वन बाई जीरो, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में भी रिड्यूस हो सकता है। तो जब कभी भी जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म की हैंडलिंग पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको इन दोनों में से जो भी ईजिली रिड्यूसेबल है आप उस फॉर्म में उसे रिड्यूस करते हुए प्रोसीड कर जाएं, आगे का काम बहुत सिंपल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें 1 माइनस टू साइन स्क्वेयर एक्स है, एक्स इज टेंडिंग टू पाई बाई फोर, तो ये 1 बाई टू को टेंड करेगा तो ये पूरा जीरो को अप्रोच कर रहा है, एंड एक्स इज अप्रोचिंग पाई बाई फोर तो बच्चा ये जीरो को अप्रोच करेगा एंड कॉट जीरो दैट विल अप्रोच इन्फिनिटी, करेक्ट। तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का ये क्वेश्चन है। अब आप देखें कि किसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना आपके लिए सिंपल रहेगा, क्योंकि जब आपके पास a इंटू बी है एंड यू वॉन्ट टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, ताकि जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी डिवीजन में दिखना चाहिए ना, तो उसके लिए अगर आप b को शिफ्ट करना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे, और अगर आप a को शिफ्ट करना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो देख लें दोनों में से किसका रेसिप्रोकल लेना हम प्रीफर करेंगे, जो सिंपल फॉर्म में, कंपाउंड का तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, राइट। तो अब हम इसे बिगिन करेंगे आज 1 माइनस टू साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कॉट स्क्वेयर का रेसिप्रोकल, कॉट स्क्वेयर का रेसिप्रोकल होगा टैन स्क्वेयर, सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज टैन स्क्वेयर एक्स माइनस पाई बाई फोर, डन। अब बच्चा क्वेश्चन जीरो बाई जीरो फॉर्म का है, आप एल एच रूल से कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, आप स्टैंडर्ड रिजल्ट से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं डायरेक्टली बाई एल हॉस्पिटल रूल, तो आप बताएं न्यूमरेटर में क्या क्रिएट होगा, डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं, माइनस फोर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में बेटा टू टैन एक्स माइनस फाइव बाई फोर इंटू सेक्स स्क्वेयर एक्स माइनस फाइव बाई फोर, डन। अब एक्स इज अप्रोचिंग फाइव बाई फोर, बच्चा न्यूमरेटर से तो जीरो फॉर्म रिमूव हो गया है, न्यूमरेटर में एक फाइनाइट वैल्यू ही आ रही है, नॉन जीरो फाइनाइट दैट टू, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर को आप देखें, ये जो वैल्यू है जीरो को अप्रोच कर रहा है और ये वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो क्लियर हो जाता है फाइनाइट क्या, वन ही है एग्जैक्टली, राइट। तो अब हमारे पास फाइनाइट अपॉन ए वैल्यू विच इज अप्रोचिंग जीरो, सो द रिजल्ट विल बी इनफाइनाइटली लार्ज, क्लियर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मैं इसे पावर वन कर देती हूँ, कॉट ऑफ एक्स माइनस फाइव बाई फोर कर देती हूँ, अब क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर ये तो सिर्फ टैन ही है ना, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस फोर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा एंड डिनोमिनेटर में बच्चा सेक स्क्वेयर एक्स माइनस पाई बाई फोर होगा। अब जब आप एक्सटेंस टू पाई बाई फोर अप्लाई करेंगे तो ये तो है वन, एंड साइन एक्स वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, तो वन बाई टू कैंसिल होके माइनस टू अपॉन वन, क्लियर। नेक्स्ट देखें टू पावर एक्स साइन थ्री बाई टू पावर एक्स, एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ये वैल्यू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, 3 बाई इन्फिनिटी जीरो, साइन जीरो इज जीरो, परफेक्ट। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट को एज इट इज ही रखना चाहेंगे और दूसरे का रेसिप्रोकल लेके शिफ्ट कर देंगे, इससे ये 0 बाई जीरो फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब जब हमारे क्वेश्चन में x का प्रेजेंस एक ही तरह से हर जगह दिखता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पावर x के फॉर्म में x का प्रेजेंस है एंड दैट टू रेसिप्रोकल में है 1 बाई टू पावर x, तो क्या अगर हम t 1 बाई टू पावर x कंसिडर कर ले, चाहे लिख के या तो ओरली अपने कैलकुलेशन के लिए करें, ये आ गया t, तो क्या ये क्वेश्चन रह जाएगा साइन 3t टी अपॉन टी एंड x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू अप्रोच कर रहा है जीरो को, t इज अप्रोचिंग जीरो, तो डायरेक्ट आंसर बच्चे x का कोएफिशिएंट का रेशियो, यहाँ x का कोएफिशिएंट वेरिएबल t है तो t के कोएफिशिएंट का रेशियो फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, और वैसे भी ये सब तो आपको आता ही है, फाइन। तो आंसर इज 3। नेक्स्ट देखें बेटा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, टैन स्क्वेयर x इज मल्टीप्लाइड विद द होल थिंग, सबसे पहले चेक करते हैं इन डिटर्मिनेट फॉर्म, x इज अप्रोचिंग पाई बाई टू, ये वैल्यू इन्फिनिटी, टू साइन स्क्वेयर x, दिस इज टू प्लस थ्री फाइव प्लस फोर नाइन, पावर हाफ थ्री, इधर आ जाए, दिस इज वन थ्री टू नाइन, नाइन पावर हाफ थ्री, ये पूरा आ जाता है आज जीरो, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म है क्लियरली। तो इमीडिएटली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 2 साइन स्क्वेयर प्लस 3 साइन प्लस 4 होल पावर 1 बाई टू, ये तो कंपाउंड फॉर्म में है तो इसको तो हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट नहीं करना चाहेंगे, सो विल शिफ्ट द सेकेंड वन, 1 बाई टैन स्क्वेयर दैट इज कॉट स्क्वेयर, तो ये आ गया कॉट स्क्वेयर एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू। अब हमारे क्वेश्चन में जैसे ये कॉट स्क्वेयर x है उसे हम कॉट स्क्वेयर बाई साइन स्क्वेयर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में x का प्रेजेंस हर जगह sin x के फॉर्म में है, सिर्फ इसे छोड़ के,
और इसे भी हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो बच्चा अगर मैं साइन एक्स को रिप्लेस कर देती हूँ बाय टी, वोंट इट बी सिंपलर फॉर अस? तो 2t² 3t + 4 का स्क्वायर रूट है माइनस t² प्लस 6t + 2 का स्क्वायर रूट अपॉन 1 माइनस t² एंड ये s² जो कि x टेंस टू पाई बाई 2 के लिए तो वो 1 बन जाता है, तो चाहे तो आप उसका वैल्यू 1 ही लिख दो क्योंकि प्रोडक्ट में है, फर्क नहीं पड़ेगा। डन। अब t इज अप्रोचिंग, क्योंकि t है हमारे लिए sin x, x इज पाई बाई 2, सो sin पाई बाई 2 इज 1, t इज अप्रोचिंग 1। तो बच्चा क्लियरली 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, न्यूमरेटर में हमारे पास स्क्वेयर रूट का प्रेजेंस है, रैशनलाइज कर देते हैं स्ट्रेट अवे। तो बता दें व्हाट डू वी गेट, 2t² प्लस 3t + 4 रैशनलाइज कर रहे हैं स्ट्रेट अवे अपॉन 1 माइनस t², फैक्टराइज भी कर देते हैं 1 + t, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, इजी टू हैंडल होंगे, एंड वी हैव रैशनलाइजिंग फैक्टर 3t + 4 स्क्वेयर रूट प्लस t² प्लस 6t + 2 का स्क्वेयर रूट। डन। अब लिमिट t इज अप्रोचिंग 1, ये दोनों कंबाइन कर देते हैं, दैट कम्स आउट टू बी बेटा t² 3t माइनस 60, दैट इज माइनस 3t + 2। परफेक्ट। अब इमीडिएटली चेक करें, कोई जल्दबाजी नहीं और डरना भी नहीं है, लिमिट में बिल्कुल कुछ भी हमें ट्रबल दे ही नहीं सकता। ये आ गया बेटा। अब बच्चा टी इज अप्रोचिंग 1, टी की जगह पे 1 पुट करते हैं, न्यूमेरेटर विल अप्रोच 0, ये है जो 0 को अप्रोच करेगा, ये है जो 0 को अप्रोच करेगा, एंड इनफैक्ट इसे हम फैक्टराइज करके ही लिख लेते हैं, दैट विल बी टी माइनस 1 एंड टी माइनस 2, और उसमें ये जो फैक्टर है ये 0 को अप्रोच करेगा लेकिन ये तो माइनस 1 है, एंड ये वैल्यू 2 है, एंड दिस इज 3, दिस इज 3, तो ये पूरा वैल्यू तो है 6। अब ये 0/0 फॉर्म जरूर क्रिएट हो रहा है लेकिन 0 बनाने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, सिर्फ उस पर अटेंशन देना है, बाकियों का वैल्यू लिख लेना है क्योंकि वो प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ 0 गिविंग फैक्टर है टी माइनस 1 एंड 1 माइनस टी, और वैसे भी वो एक दूसरे को कैंसिल करते हुए हमें माइनस 1 देते हैं, राइट। तो अब हमारा आंसर आ गया बच्चे माइनस है, एंड न्यूमरेटर के पास यहाँ पे माइनस 1 है तो हो गया प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास है 2 एंड 6। सिंपल हैंडलिंग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखें, एक और क्वेश्चन यहीं पे लिख लेती हूँ। देखो लेट्स टेक, वी हैव एक्स पावर 5 साइन 1/x 2 प्लस मॉड एक्स पावर 4, एक्स इज अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करेंगे, एक्स पावर 5 माइनस इन्फिनिटी का पावर 5 विल बी माइनस इन्फिनिटी, साइन को इग्नोर करो, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर करते हुए चलो, तो ये हो गया इन्फिनिटी। साइन 1/x 1 - इन्फिनिटी दैट इज 0, साइन 0 इज 0। तो बच्चा यहाँ पे तो हमारे पास 0 ×∞ फॉर्म क्रिएट हो रहा है, तो सबसे पहले जब तक हम उसे हैंडल नहीं करेंगे आगे तो बढ़ेंगे नहीं, वैसे भी डिनोमिनेटर तो इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले हमें न्यूमरेटर को चेक करना होगा क्योंकि 0 ×∞ इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वो वैल्यू कुछ भी आ सकता है, चेक तो करें सबसे पहले। तो उसके लिए साइन 1/x है, ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसे हैंडल करने के लिए बस मुझे एक 1/x की ज़रूरत है ताकि साइन t/t, t → 0 विल बिकम 1। तो 1/x से मुझे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, बाकी एज इट इज रहा, तो ये जो पूरा वैल्यू है ये तो 1 को अप्रोच करेगा और बैलेंस होके यहाँ पे एक्स पावर 4 का प्रेजेंस रह गया, इसका मतलब न्यूमरेटर इन्फिनिटी है एंड दैट कैन बी कंसिडर्ड टू बी एक्स पावर 4। तो अब हमारा क्वेश्चन है एक्स पावर 4 अपॉन फाइनाइट वैल्यू का एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं इन्फिनिटी के सामने, एंड मॉड एक्स, जब एक्स नेगेटिव होता है तो माइनस एक्स बन जाता है, माइनस एक्स का पावर 4 दैट विल बिकम एक्स पावर 4। तो बच्चा आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 1। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी भी ये फॉर्म आ जाता है बी वेरी क्लियर, या तो सिंप्लीफिकेशन से आप उसे 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज आइदर बाई सिंप्लीफिकेशन, और अगर स्क्वेयर रूट का प्रेजेंस है बाय रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और थर्ड इज बाय सब्स्टिट्यूशन। मैं सारे तरीके आपको बता देती हूँ, कुछ क्वेश्चन में कुछ वर्क करेगा, कुछ क्वेश्चन में मल्टीपल चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है, लेकिन पता हमें सब कुछ होना चाहिए।
ठीक है, लेट जस्ट गो अहेड. फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लें, लिमिट x टेंस टू 2 है, 1 बाई एक्स माइनस 2 है, तो 1 बाई अप्रोचिंग 0, सो इन्फिनिटी, और यह है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे सिंप्लीफाई करके या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, जिसमें भी वो इजीली कन्वर्ट हो जाए. तो यह हमें क्लियर है कि दोनों को हमें कंबाइन करना है, हमें ये माइनस साइन बीच में नहीं चाहिए, कंबाइन करके उसे एक में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे तो हम एलसीएम ही ले लेंगे, करेक्ट बेटा. तो ये आ जाएगा x प्लस 2 एंड हियर माइनस 1, सो व्हाट वी गेट इज x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4. अब आप देख सकते हैं कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म अब क्रिएट ही नहीं हो रहा है, ये वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट है और ये वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रहा है. तो ये जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इनफाइनाइटली लार्ज, इट विल अप्रोच इन्फिनिटी. अब जब आप अप्रोचिंग इन्फिनिटी की बात करते हैं तो हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो उस केस में आपको साइन को भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है कि वो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, क्योंकि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है. लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है कि साइन क्या आएगा, तो आप देख लें जो राइट हैंड लिमिट आएगा, मतलब 2 प्लस के लिए, क्योंकि न्यूमरेटर तो 3 है, वो पॉजिटिव है, हमें सिर्फ साइन ही तो देखना है कि साइन क्या आएगा. तो डिनोमिनेटर को देखें, 2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू को जब आप स्क्वेयर करेंगे तो 4 से थोड़ा बड़ा आएगा, तो 4 प्लस काइंड ऑफ वैल्यू में से अगर आप 4 को सब्ट्रैक्ट करते तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा राइट हैंड लिमिट के लिए. एंड लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, 2 माइनस, मतलब 2 से थोड़े कम वैल्यू को आप स्क्वेयर कर रहे हो, एक स्क्वेयर कैलकुलेट कर रहे हो, तो 4 से थोड़ा छोटा ही आएगा, एंड माइनस 4 करोगे तो नेगेटिव आएगा, उस केस में ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है. नेक्स्ट आप देखें, वी हैव स्क्वेयर रूट प्रेजेंस. बच्चा ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. इमीडिएटली यहाँ पे हम इसे रैशनलाइज करना ही चाहेंगे. तो अगर हम इसे रैशनलाइज करते हैं, मैं स्ट्रेट अवे लिख रही हूँ एक्स प्लस 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस, ये आ गया रैशनलाइजिंग फैक्टर प्लस रूट एक्स, ये कैंसल्ड. बच्चा अब क्वेश्चन का टाइप आप देख लें, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का बन गया, ठीक है. और आंसर करना हमें आता है, डायरेक्टली हम आंसर कर सकते हैं, डायरेक्टली भी मैं करना बता देती हूँ, और जो हमारा जनरलाइज प्रोसेस है उससे भी आप देख लो. बच्चे ये बताओ, ओवरऑल जो न्यूमरेटर के पास ये एक्स पावर 1 है, ये एक्स पावर 1/2 है, जैसे हम पॉलिनोमियल में करते हैं ना, इन्फिनिटी के कैलकुलेशन में जो सबसे बड़ा पावर है वही वैल्यू डिसाइड करता है, उसके सामने बाकियों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो आप इसे कर दें डिस्कार्ड, इसके सामने ये हो गया डिस्कार्ड, और इसके सामने ये हो गया डिस्कार्ड, ठीक. और ये तो सिंपल सा ही वैल्यू है. तो न्यूमरेटर के पास हमारा रह जाता है रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में यहाँ है रूट एक्स और यहाँ है रूट एक्स, तो ओवरऑल रूट एक्स अपॉन 2√x बचा, आंसर इज 1/2, क्लियर. अगर हम इसे जनरलाइज्ड वे में करते हैं तो इस स्टेप पे हम आ जाते हैं, वी हैव एक्स प्लस दिस एंड एक्स प्लस एंड प्लस रूट एक्स, ठीक है बेटा. ओवरऑल सबसे बड़ा इन्फिनिटी किसके वजह से क्रिएट हो रहा है, ये एक्स पावर 1/2 है, होल पावर 1/2 है, तो एक्स पावर 1/4, तो एक पावर हुआ 1/4. इस एक्स को अगर देखें तो इसका नेट प्रेजेंस है पावर 1/2, इस एक्स का नेट प्रेजेंस है 1/2, इस एक्स के लिए भी 1/2 है, इसके लिए 1/2 है फिर 1/2 है, तो पावर 1/4 है, और इसके लिए 1/2 देन फर्दर 1/2 देन 1/2, एक्स पावर 1/8 है. तो बच्चा ओवरऑल सबसे बड़ा पावर ऑफ एक्स हमें क्या मिल रहा है, एक्स पावर 1/2, करेक्ट. तो एक्स पावर 1/2 से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कर दे डिवाइड, एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, एक्स एनी वे एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आप स्ट्रेट अवे जब एक्स से आप डिवाइड करेंगे, मतलब एक्स पावर 1/2 से डिवाइड करें तो स्क्वायर रूट के अंदर वो एक्स से डिवाइड होगा, ठीक. यहाँ पे भी वही चीज़, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स से हुआ डिवाइड, एंड यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, डायरेक्टली हम लिख देते हैं उसे 1, डन. यहाँ पे आ जाते हैं बच्चे, एक्स बाई एक्स दैट इज 1, रूट एक्स बाई एक्स 1/√x, एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी तो ये वैल्यू तो 0 बन जाएगा, आप डिस्कार्ड ही कर दें. यहाँ आ जाएं, एक्स बाई एक्स बच्चा दिस इज 1. अब ये x जब इस स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो एक स्क्वायर बन के जाएगा, है ना. तो आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं ना बच्चा, ये है और यहाँ है एक्स स्क्वायर, पूरा स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये चीज़. और न्यूमरेटर के पास सबसे बड़ा इन्फिनिटी ये है, डिनोमिनेटर के पास पावर 2 है, और हमने डिस्कस किया अगर डिनोमिनेटर के पास ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ इन्फिनिटी है तो ये पूरे का पूरा यहाँ से कैंसिल होने के बाद भी यहाँ इन्फिनिटी का प्रेजेंस बचेगा, जो कि इस रिजल्ट को 0 बना देता है, राइट. तो आप उस तरह से 0 लिख दें,
या आप x की पावर को देखते हुए भी कर सकते हैं। तो ये पूरा आ जाएगा 0 और यह है 1, आंसर इज 1/2। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूशन से भी हम इसे कर सकते हैं और यहाँ पे इतने सारी जगह पे x का प्रेजेंस है, हमें समझना ही तो है सब्स्टिट्यूशन हाउ इट वर्क्स। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखेंगे सब्स्टिट्यूशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हियर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, बच्चा ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो सबसे पहले तो इसे डील करना बनता है। तो उसके लिए रैशनलाइजेशन से अगर हम इसे करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस x, डिनोमिनेटर में आएगा x प्लस 1 एंड ये, बच्चा ये तो हो गया 1, अब उसके बारे में हमें बॉदर करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्क्वेयर रूट ऑफ x प्लस 1 फाइनाइट वाली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सो स्क्वेयर रूट ऑफ x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ x 1/2, एक तरीका। दूसरा तरीका जो मैंने बोला, आप सब्स्टिट्यूशन का यूज ले सकते हैं। x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, हमें 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ इतनी सी ज़रूरत है कि डिनोमिनेटर में भी कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए इफ़ आई कंसिडर x टू बी 1/t, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो क्लियर हो जाता है t जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। मैं ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे ले लेती हूँ, सो 1/√t ब्रैकेट के अंदर 1/t प्लस 1 माइनस, परफेक्ट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते काम ख़त्म हो जाएगा। दस 1 प्लस टी का स्क्वेयर रूट √t माइनस 1/√t, परफेक्ट बेटा, गो अहेड। 1 प्लस टी का स्क्वेयर रूट माइनस 1 अपॉन √t, यहाँ एलसीएम से आएगा, यहाँ पे भी √t है तो ये डायरेक्टली t लिख देते हैं। लिमिट t इज टेंडिंग टू 0, अब 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, आप LH रूल से कर ले, आप स्टैंडर्ड लिमिट से कर ले, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, रैशनलाइजेशन से भी आप कर सकते हैं। चलो हम इसे रैशनलाइज करते हुए ही करते हैं। तो 1 प्लस टी माइनस 1 दैट इज टी, डिनोमिनेटर में है टी, रैशनलाइजिंग फैक्टर आ गया, ये हो गया कैंसिल जो कि 0 गिविंग क्वांटिटी है, टी की जगह पर 0 पुट करते हुए आंसर, क्लियर। तो इनमें से जब जिस क्वेश्चन में जो आपको सिंपलर लगता है आप उस प्रोसेस से उसे करें। ठीक, नेक्स्ट देखें बेटा, एक्स क्यूब एंड विद इन ब्रैकेट, ये तो इन्फिनिटी है लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, तो सबसे पहले उसे डिटर्मिन करना तो बनता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो उसके लिए यहाँ पे हम किस प्रोसेस को प्रीफर करेंगे बच्चे, रैशनलाइजेशन। ठीक, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1 स्क्वेयर रूट माइनस 2 एक्स स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में रैशनलाइजिंग फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, एक्स पावर 4 प्लस 1 स्क्वेयर रूट, ये स्क्वेयर रूट एंड ये आ गया √2x। फाइन बेटा, अब ये तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, कोई दिक्कत उसमें है ही नहीं हमें। सबसे पहले न्यूमरेटर को देख लेते हैं, x पावर 4 प्लस 1 स्क्वेयर रूट माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म परसिस्ट किया। तो जब तक हम उसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम इसे फर्दर कर देते हैं रैशनलाइज, क्या आ जाएगा बच्चे, x पावर 4 प्लस 1 माइनस x पावर 4 1 एंड डिनोमिनेटर में आ गया रैशनलाइजिंग फैक्टर, खत्म हो गई बात, ये सिर्फ एक स्क्वेयर है बच्चे एंड दिस फैक्टर आज इट इज x पावर 4 प्लस 1 स्क्वेयर रूट एंड दिस होल स्क्वेयर रूट √2x, परफेक्ट। अब देख लें, x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, अब तो बच्चा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अब इस इन्फिनिटी के सामने इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, x पावर 4 का स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर होगा तो ये पूरा हो गया 2x स्क्वेयर, उसी तरह से इसके सामने ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, x पावर 4 का स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर, ये आ गया 2x स्क्वेयर। ठीक है, तो 2x स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट ये बन जाएगा √2x और ये √2x कंबाइन होते हुए पूरा डन। अब हमारा आंसर एक्स क्यूब 2 × 2√2 4√2 × x³, ये हो गया कैंसिल, आंसर इज 1/4√2। फाइन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में लिमिटिंग वैल्यू हमें दे दिया गया है, यहाँ पे तो वैल्यू गिवन है और इस तरह के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, इफ़ द आंसर इज नॉन जीरो फाइनाइट, इफ़ द आंसर इज इनफाइनाइट देन व्हाट आर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, इस तरह के क्वेश्चन, हैंडलिंग बिल्कुल सेम तरह से ही होगा। अब देखें ए एंड बी के वैल्यूज हमें सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1, सबसे पहले तो क्योंकि ए एंड बी ही पूरी तरह से अननोन है, जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है, तो कंबाइन कर देते हैं, सो दिस इज माइनस ए दिस इंटू दिस है ना, सो ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। अब देखो बच्चा,
लाइक टर्म को तो आप एक जगह कर दो, दिस दिस एंड ए प्लस बी एंड कॉन्स्टेंट टर्म, राइट। अब ध्यान से समझना, ये बताओ बच्चे, जब हमारे पास दो पॉलिनोमियल का रेशियो होता है या दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का रेशियो होता है, एक्स इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, उस केस में हमने क्या देखा, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के पास लार्जेस्ट इन्फिनिटी का प्रेजेंस है, इन दैट केस आंसर नॉन जीरो फाइनाइट आता है। एंड अगर हाईएस्ट इन्फिनिटी का प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के पास प्रेजेंट है, देन इन दैट केस इन्फाइनिटली लार्ज होगा वो डिनोमिनेटर कम्पेयर टू न्यूमरेटर, सो आंसर विल टेंड टू बी जीरो। और अगर हाईएस्ट इन्फिनिटी का प्रेजेंस सिर्फ न्यूमरेटर के पास है, इन दैट केस रिजल्ट विल बिकम इन्फाइनेटली लार्ज। यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है हमें आंसर जीरो चाहिए, तो क्या क्लैरिटी यहाँ से हमें मिल रही है कि हाईएस्ट इन्फिनिटी का प्रेजेंस सिर्फ डिनोमिनेटर के पास होना चाहिए और डिनोमिनेटर के पास एक्स पावर वन है, तो एक बात क्लियर हो जाता है कि जो एक्स स्क्वेयर वाला टर्म है वो नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, जो एक्स वाला टर्म है वो भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर का जो डिग्री है हमें डिनोमिनेटर के डिग्री से स्मॉलर ही चाहिए, क्लियर। नाउ प्रोसीड, अगर हमें ये वाला टर्म जीरो चाहिए तो डेफिनेटली इसका कोएफिशिएंट ही जीरो होगा, तो ए का वैल्यू आ गया एग्जैक्टली वन। उसी तरह से हमें ए प्लस बी भी जीरो चाहिए, इसका मतलब b इज माइनस वन। अब जैसे ही a एंड b की वैल्यू जब आप ये लेते हो तो ये आ जाता है टू बाई इन्फिनिटी, रिजल्ट इज जीरो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर क्वेश्चन ने कहा होता कि ये वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट है, उस केस में अब हमारी ज़रूरत क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर के पास तो फिक्स डिग्री है, डिग्री वन है, और नॉन जीरो फाइनाइट आंसर तभी आता है जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के पास हाईएस्ट इन्फिनिटी का प्रेजेंस हो, दोनों के पास हो, तो उनका कोएफिशिएंट का रेशियो हमारा आंसर बन जाता है। ले सपोज ये जो आंसर गिवन है ये टू है, अब हमें करना क्या है, एक्स स्क्वेयर वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, सो वन माइनस ए मस्ट बी जीरो, एंड एक्स का टर्म न्यूमरेटर के पास होना ही चाहिए, एंड उनका जो कोएफिशिएंट का रेशियो है वो हमारे लिमिट का आंसर बनना चाहिए, करेक्ट। ए का वैल्यू यहाँ से तो हमें मिल गया है वन, यहाँ पे हम इसे पुट कर देंगे, तो ए प्लस बी इज माइनस टू, सो वैल्यू ऑफ बी इज माइनस थ्री, सिंपल। तो ये चीज़ को आपको देखना है एंड अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर जाना है। इस तरह के क्वेश्चन कई ओकेजन पे आए हुए हमें मिल जाएंगे, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप डायरेक्टली इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट्स इट बेटा, व्हेन इट कम्स टू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन डिटर्मिनेट फॉर्म, इनकी हैंडलिंग बिल्कुल क्लियर रखे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अब नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू फिनिश वन पावर इन्फिनिटी, जीरो पावर जीरो, इन्फिनिटी पावर जीरो एंड द मिसलानियस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो कि सैंडविच थियोरम के ऊपर बेस्ट होते हैं, न्यूटन लिबनिस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ट होते हैं, एंड इन्फाइनिट प्रोडक्ट एंड इन्फाइनिट सम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो टाइप हम कंप्लीट करेंगे, सो दैट आवर चैप्टर गेट्स ओवर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो आई क्लोजिंग इट हियर।